क्योंकि तो इसमें बहुत बंदे फ्रॉड भी बहुत घूमते हैं वो आपको डी करते हैं कि आप मेरे को पैसे दे दीजिए मैं आपके लिए जो है अकोमोडेशन रिजर्व करवा दूंगा आप मेरे को सेवन हंड्रेड डॉलर या फाइव हंड्रेड डॉलर जो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं स्टार्टिंग में आप मेरे को वो ट्रांसफ़र करवा दीजिए पैसे तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना किसी वह सब का इसके हाल है सबके वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो यार दिस इज़ गोइंग टू बी एन एजुकेशनल वीडियो तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो कि है स्टूडेंटेंटोमोडेशन क्योंकि आपका कोई रिलेटिव वगैरह यहाँ पे रहता है तो तो आपको सीन सेट है तो आपको कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ दिक्कत उन लोगों को होती है जिनका कोई यहाँ पे रिलेटिव वगैरह नहीं रहता है जो बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं जिनका यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार वगैरह नहीं रहता नहीं है जिनको जीरो आइडिया होता है कि यहाँ पर अकोमोडेशन किस टाइप की होती है तो जितनी भी टाइप की सारी अकोमोडेशन होते हैं यहाँ पे वो सारे हम डिस्कस करेंगे रेट्स क्या हैं उनके वो डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए जो ध्यान देनी चाहिए जब आप कोई भी से एग्रीमेंट वगैरह साइन वाइन कर रहे होते हो तो हम जितने भी सारे टॉपिक्स होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो यार बंदों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार सबसे चीप जगह कौन सी है सबसे बढ़िया जगह कौन सी है जॉब्स का कहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि यूनिवर्सिटी के पास लेना चाहिए यूनिवर्सिटी के दूर लेना चाहिए तो लोग यही सोचते हैं कि यार उनको जो सबसे बेस्ट अकोमोडेशन मिल जाए तो यार बता दो कि कोई भी अकोमोडेशन बेस्ट नहीं होती है इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड्स कि आप किस टाइप की नीड्स हैं आपके अकोमोडेशन से अगर आप चीप ढूंढ रहे हैं तो आपकी लिए हो सकता है जो रिक घर होगा जो साढ़े चार सौ डॉलर जो आपसे ले रहा है महीने के वो आपके लिए बेस्ट होगा अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मेरे को यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा पास चाहिए तो आप चाहे ग्यारह भी देने पड़ रहे हैं अगर आप उसको महीने के अगर आपको एलेवन देने पड़ रहे हैं तो आपके लिए फिर भी वो भी बेस्ट हो जाएगा तो मैं बता चाहिए कोई भी अकोमोडेशन बेस्ट नहीं है आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या है तो यार यहाँ पे मैंने अकोमोडेशन को बेसिकली तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है पहली होती है हमारी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है जो कॉलेज के अंदर ही होती है जो यूनिवर्सिटी में होती है दूसरी होती है आपकी प्राइवेट अकोमोडेशन जो कि होती है जब आप हाउस जो है खुद रेंट पे ले लेते हो और तीसरी होती है शेड अकोमोडेशन जो कि ऑब्वियसली इंडिया में है ही पी आपने जो सुना ही होगा वो पी टाइप जो होती है वो शेड अकोमोडेशन हो जाती है सर लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अकोमोडेशन जो कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के फ़ायदे भी क्या होते हैं और घाटा भी क्या होते हैं डिस्कस कर लेते हैं तो यार मेरी पर्सनल व्यूज़ में अगर मैं कहूँ कि अगर आप नए आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर प्राइस आपके लिए कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है तो क्योंकि जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होती है वो स्लाइटली महंगी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल अकोमोडेशन जैसे कि जो शेयर्ड अकोमोडेशन होती है या फिर प्राइवेट होती है उससे थोड़ी स्लाइटली महंगी होती है लेकिन वो वर्थ भी होता है लेने का क्योंकि यूनिर्सिटी uh, अकोमोडेशन के फायदे मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या होते हैं तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का पहला फ़ायदा होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का सारा पैसा बच जाता है क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी के अंदर ही रह रहे हो तो आपको कोई ट्रैप ट्रेन या किसी भी चीज़ का आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है आप वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है आप आराम से जा सकते हो आपको टाइम बहुत बचता है उसके अंदर आपका आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है आप आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हो आप आराम से उठ सकते हो क्योंकि यार सर्दियों के टाइम पर बहुत दिक्कत होती है बंदों को सुबह सुबह उठना और फिर नहा धो के फटाफट निकलना ट्रैम पकड़ना आधा एक घंटा ट्रैवलिंग में लगाना उस वो टाइम आप या तो आराम से सो सकते हो या फिर पढ़ सकते हो कुछ भी कर सकते हो आप तो उसमें आपका टाइम बहुत बचता है और अकोमोडेशन में यार एक फायदा और होता है कि ना फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं जैसे कि डीकन रेस्ट जो है इसमें मैंने देखी है तो इसमें से मतलब पूल टेबल वगैरह है टी टी है इनके पास ख़ुद का एक सिनेमा रूम भी है आप उसको बुक कर सकते हो आप अंदर बैठ के आराम से मूवीज़ वगैरह देख सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो फैसिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं इसमें और प्लस इसमें जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के बंदे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जापान से आते हैं यूरोप से आते हैं जर्मनी से आते हैं हर जगह से बंदे आते हैं तो उस वजह से ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ यार आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो एंड टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी तो ऑब्वियसली बात अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में रह रहा है तो सेफ़्टी तो यार ऑब्वियसली टॉप नॉच गई होगी हो क्योंकि यार हर जगह कैमरे होते हैं यहाँ पे और किसी भी तरह की बुलिंग तो वगैरह ऑब्वियसली हो नहीं सकती यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी बहुत हाई होती है डीकन के जो अकोमोडेशन है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है उसमें ऐसे कोई बंदा घुस नहीं सकता आपको प्रॉपर की दी जाती है वो आपको टैप करनी पड़ती है एंट्रेंस से पहले बिना उसकी के कोई भी गेट वगैरह खुलता नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यार उस वे में आपकी सिक्योरिटी तो सबसे ज़्यादा होगी होगी तो सिक्योरिटी का कंसर्न अगर आप हैं तो गो फॉर द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन एज वेल और यार ऐसा नहीं है अगर आप, तो आप ouais यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते तो आपको किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन वगैरह का फेस वो फेस करनी पड़ेगी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं यूनिवर्सिटी में कुछ भी आप खा सकते हो कुछ भी आप पी सकते हो बस एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप स्मोक नहीं कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी किसी भी चरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कुछ भी खाओ एंड लिटरली कुछ भी पियो यूनिवर्सिटी वालों से कोई लेना देना नहीं होता तो यार आपके रेंट पर सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं आपका जो ड्रायर और वॉशर वगैरह सब आपको मिल जाता है उसमें यूनिवर्सिटी में और इलेक्ट्रिसिटी का सारा इंक्लूड होता है वाटर का सारा इंक्लूड होता है वाईफाई वगैरह सब मिलता है आपको तो आपको किसी भी चीज़ का एडिशनल पे नहीं करना पड़ता आपको किचन देते हैं वो लोग तो आपको कुक खुद ही करना पड़ता है वो मील इंक्लूड नहीं होते हैं उसमें अगर मील इंक्लूड होती है तो ऑब्वियसली मैं ही ले लेता तो मील उसमें इंक्लूड नहीं होती है तो खान आपको खुद बनाना पड़ता है तो यार ये सारे तो हो गए फायदे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के लेकिन इसके कुछ घाटे भी होते हैं और घाटे इन टर्म्स ऑफ व होता है कि सबसे पहला घाटा जो मेरे को लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव होती है सो so, जो इसका रेंट होता है वो इट कैन गोज अप टू अलेवन हंड्रेड या ट्वेल हंड्रेड डिपेंडिंग कि आप रूम कौन से सेलेक्ट कर रहे हो अगर आपको बिल्कुल ही प्राइवेट अकोमोडेशन चाहिए उसके अंदर यूनिवर्सिटी में जिसकी उसमें सिर्फ एक ही बेड हो तो वो कम्पेरेटिवली थोड़ी महंगी होगी एज कम्पेयर टू जिसमें अगर मान लो तीन बेड हैं या चार बेड हैं या छः बेड हैं उसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं और एक कॉमन एरिया होता है तो अगर आपको वॉली चाहिए तो कम्पेरेटिव स्लाइटली चीपर होती है एज कम्पेयर टू बट फिर भी आपको कम से कम जिसमें महीने के जो होते हैं वो बिटवीन टवेल्व हंड्रेड अराउंड आपको देने पड़ते हैं महीने के और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे अकोमोडेशन होते हैं उसमें इट कैन गो एज लो एज अप टू फोर फिफ्टी अ मंथ और सेवन हंड्रेड अ मंथ तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं और एक और डिसएडवांटेज है कि आपको ना इसमें बुकिंग जो होती है वो आपको पहले करानी पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं बाहर के जो बंदे भी आते हैं जर्मनी या यूरोप वगैरह के जितने बंदे होते हैं सब ये प्रेफर करते हैं कि उनको जो अकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिले तो इसलिए बहुत सारे बंदे अप्लाई करते हैं तो अगर आपको अपनी सीट रिज़र्व करानी है उस चीज़ के अंदर तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही जब आप एनरोल वगैरह करोगे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाना वहाँ पर आप सर्च कर लेना अकोमोडेशन तो आपको लिंक आ जाएगा तो आप पहले ही जो है अपना स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट आई जो होती है वो डाल डूल के अपना पहले ही जो है अपना स्लॉट uh, जो है रिजर्व करवा लेना क्योंकि एंड मोमेंट पे क्योंकि अकोमोडेशन मिलती नहीं है और एक दिक्कत और होती है कि ना uh, जो यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है तो आपको एज़ लो एज़ कम से कम आपको तीन महीने जो होते हैं जो ट्राइमेस्टर होता है वो तो आपको रुकना ही पड़ेगा वहाँ पे तो उससे पहले ऑब्वियसली आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि आपकी फ़ीस पे कर दी जाती है उसकी अकोमोडेशन की तो ऑब्वियसली बात है आपको मिनिमम टू मिनिमम कम से कम तीन महीने तो आपको रहना ही पड़ता है सो यार लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हमारा प्राइवेट अकोमोडेशन तो प्राइवेट अकोमोडेशन में अगर आप चार पाँच दोस्त मिल के क्या अपने प्राइवेट फ्लैट ले सकते हैं या फिर एक घर रेंट पर ले लिया आपने तो उसमें आपको जो सारे बिल्ज जो है आप इवनली स्पेड हो जाते हैं आपका रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पानी का बिल वाईफाई गैस सब के बिल आपको इवनली स्प्लिट हो जाते हैं तो यार प्राइवेट अकोमोडेशन लेने का फ़ायदा तभी है जब आप चार पाँच बंदे मिल एक घर रेंट पर ले रहे हो क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है अगर एक बंदा अकेला लेगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है बंदे को एक तो घर का रेंट ऊपर से सारा खर्चा बंदे खुद देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का पानी का गैस का सब का तो ऑब्वियसली यार कि अगर आपके लगता है कि हाँ यार आपको बिल्कुल ही कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं चाहिए आपको बिल्कुल अपनी प्राइवेसी में अगर आपको मेन आपकी प्रायोरिटी है तो आप प्राइड अकोमिनेशन ले सकते हो उसमें आप अपने सारे दोस्त वगैरह मिल जो ले सकते हो ईवनली उसमें बिल्स वगैरह जो स्प्लिट हो जाते हैं तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है तो इसमें भी आपका जो अगर बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आप लोगों ने कितना कौन से एरिया में आपने घर लिया है और कितने बंदे आपका जो रेंट स्प्लिट कर रहे हैं तो इसकी कॉस्टेज भी अराउंड सेम पड़ जाती है स्लाइटली थोड़ी चीपर होती है अराउंड नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड पड़ जाती है डिपेंडिंग ऑफ ऑब्वियसली दी लोकेलिटी के आपने एरिया कौन सा चूज़ किया है तो यार जो थर्ड ऑप्शन है वो है ऑब्वियसली बात है शेड अकोमोडेशन जिसको लो हम लोग पीजी के नाम से भी जानते हैं तो यार मैं खुद शेड अकोमोडेशन में रहता हूँ तो मेरे को शेड अकोमोडेशन सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इसका जो रेंट होता है कंपेरेटिवली चीपर होता है तो मेरा दोस्त शेड अकोमोडेशन में रहता है वो महीने के फोर फिफ्टी देता है लेकिन वो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रहता है उसको ट्रैवलिंग बहुत टाइम लगता है और मेरा जो रेंट है वो अराउंड सेवन हंड्रेड मैं कुछ देता हूँ इंक्लूडिंग बिल्स होते हैं सारा तो कंपेरेटिवली चीपर होता है और थोड़ी घर वाली फीलिंग भी आती है आपको ऐसे कुछ नहीं होता वो डिपेंड रहता है कि आप रह गा रहे हो तो ओब्विस बात अगर आप किसी इंडियन फैमिली के साथ ही रह रहे हो कोई इंडियन कपल है उनके साथ रह रहे हो तो ओब्व्य तो तो बात है कभी कभी खाना वाणी बना देते हैं तो थोड़ी घर वाली फीलिंग आती है तो देट्स वाई आई वुड प्रेफर के यार शेयर अकोमोडेशन को ज़्यादा बेटर लगती है तो अकोमोडेशन लेते वक्त यार मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आप प्लीज़ ध्यान में रखना जब आप कोई भी अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर कि यार वो ट्रेन स्टेशन से थोड़ा पास में हो क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर ट्रेन से दूर होगा तो ऑब्वियसली आपको चल के जाना पड़ेगा उसका कोई आल्टरनेटिव नहीं है या फिर आपको बस पकड़नी पड़ेगी अगर बस जाती होगी वहाँ तक तो तो आई वुड सजेस्ट कि यार ट्रेन से थोड़ा पास हो ताकि आपका वॉकिंग वगैरह का थोड़ा टाइम वाइम कम वेस्ट हो वहाँ पर और ट्राई करना कि यूनिवर्सिटी के थोड़ा पास लो बिल्कुल ही पास मैंने कह रहा हूँ कि लेने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के जितना ज़्यादा पास होगा वो थोड़ा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो थोड़ा बहुत टूर ठीक है कि ठीक है आपको आधा घंटा लग रहा है या फोर्टी फाइव मिनट्स लग रहे हैं लेकिन प्लीज़ इतना भी दूर मत लेना कि आपको आने में एक एक घंटा या डेढ़ डेढ़ घंटा लग रहा है क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जो बहुत दूर रहते हैं यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है तो उनको आने में बहुत टाइम वेस्ट होता है उनका तो उनका डेली का कहाना करते भी तीन से साढ़े तीन घंटे उनको सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम होता है तो जिस टाइम में आप लोग काम भी कर सकते हो आप ऊबर कर सकते हो आप पैसे कमा सकते हो तीन घंटों में लेकिन उसमें आप पढ़ सकते हो कुछ भी कर सकते हो लेकिन वो आपका सारा टाइम जो है ट्रैवलिंग में निकल जाता है सोर हमने बात कर ली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकोमोडेशन और उनके चार्जेस क्या होते हैं तो अब हम बात करेंगे कि आपको ये अकोमोडेशन ढूंढने के कहाँ से आप आपको मिलेगी कहाँ से तो इसके ऑब्वियसली होता है आपको नेट पे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं स्टार्टिंग विद नंबर वन ऑब्वियसली फेसबुक और फेसबुक मार्केट प्लेस तो फेसबुक पे अगर आप जाएंगे तो आप ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहाँ पे आप सर्च करना फ़ेसबुक uh, पे जाके कि इंडियन स्टूडेंट्स मूविंग टू मेलबर्न या फिर मेलबर्न इंडियन इंडियन इंड मेलबन करके या डिफरेंट डिफरेंट की वर्ड्स टाइप करके आप देखना तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे उसमें बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उसमें बंदे वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं कि हाई गाईज़ मेरा एक रूम खाली है आई नीड अ फ्लैट मेट तो आप वहाँ से उनको सीधा जो है डी एम कर सकते हो आप उनसे बात कर सकते हो और चीज़ें अपने आप सॉर्ट कर सकते हो कि ठीक है आपका रेंट क्या है और एग्रीमेंट क्योंकि अब ऑबली बात यहाँ पे ना एग्रीमेंट साइन होता है आपको जब भी किसी भी अकोमडेशन अब आप मूव होते हो तो आपको एज अ सिक्योरिटी अमाउंट थोड़ी आपको देनी पड़ती है जैसे मैंने मैंने भी यहाँ पर रहता है तो मैंने भी ऑब्वियसली सिक्योरिटी अमाउंट ऑलरेडी दे रखी है और जब आप घर रेंट पे रहते हो अगर जैसे मतलब प्राइवेट होती है तो उसमें तो पूरा ऑब्वियसली एग्रीमेंट साइन होता है कि आपका जो एक साल के लिए जो आपका रेंट जो है आपका यही ये ये रेंट रहने वाला है और ऑब्वियसली बात है एक साल जब ल, आ, उसका टेन्योर पूरा हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है जो ओनर होता है वो थोड़ा बहुत रेंट बढ़ा देता है तो एक साल तक सेम और फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ फेसबुक मार्केट प्लेस तो मार्केट प्लेस में जब आप जाओगे तो वहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं वो ऑलरेडी अपना रेंट वगैरह का जो रेट वगैरह होता है वो ऑलरेडी बता रखा होता है उन्होंने यहाँ पे कि दिस इज़ गोइंग टू बी द रेंट एट हंड्रेड मंथ हो सकता है सेवन हंड्रेड मंथ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन थाउजेंड भी हो सकता है ट्वेल्व हंड्रेड भी हो सकता है फिफ्टीन हंड्रेड भी हो सकता है और होने का तो पाँच सौ भी हो सकता है तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें आपको कैटेगरी आती है उसमें तो उसमें आप इजीली सर्च वगैरह कर सकते हो एंड जस्ट टू सजेस्ट वन थिंग किसी भी uh, उसमें मत आना जाना क्योंकि इसमें बहुत बंदे फ्रॉड भी हो बहुत घूमते हैं वो आपको डी करते हैं कि आप मेरे को पैसे दे दीजिए मैं आपके लिए जो है अकोमोडेशन रिजर्व करवा दूंगा आप मेरे को सेवन हंड्रेड डॉलर्स या फाइव हंड्रेड डॉलर्स जो एज़ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं स्टार्टिंग में आप मेरे को वो ट्रांसफ़र करवा दीजिए पैसे तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना किसी भी बंदे को बिना घर देखे बिना एग्रीमेंट पे साइन करके पैसे मत ट्रांसफर करना मैंने ऑलरेडी देखा है फेसबुक पे बंदे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं अपने अकाउंट में से और फिर ऑब्वियसली बात है पैसा ट्रांसफर करने के बाद तो कहीं बंदा मिलेगा वो बंदे भाग जाते हैं और वो बंदों के साथ स्कैम हो जाता है तो वो बहुत मिनिमम अमाउंट मांगते मांगते हैं आपसे स्टार्टिंग में फाइव हंड्रेड डॉलर्स दे दो मैं आपके लिए ये आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी मैं पेपर वर्क रेडी करवा लेता हूँ आप मेरे को पैसे भेज दो तो उन सब चीज़ों मत पड़ना प्लीज़ uh, मूविंग फॉरवर्ड forward अदर वेबसाइट वेल जिस लाइक स्टूडेंट डॉट कॉम यूनिवर्सिटी लिविंग डॉट कॉम गम ट्री एंड फ्लैटमेट्स हो गया रियल इस्टेट डॉट हो गया तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं आप इन सारी वेबसाइट्स पे जा सकते हो और सर्च कर सकते हो अकोमोडेशन के लिए तो यार वन मोर थिंग ओबियसली बात है यार कि हो सकता है यार जब आप ऑस्ट्रेलिया हो तो तब तक आपकी कोई भी रेजिमेंट्स वगैरह ना हों ओबियसली यार यहाँ पर आके आप घर वगैरह देखोगे आपको पसंद आएगा नहीं आएगा उसके बाद आप पैसे दोगे तो फॉर अ टाइमिंग आप क्या कर सकते हो आप ए बी एन बी पे रूम ले सकते हो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत स्लाइटली महंगा पड़ता है आपको स्टार्टिंग में बट वट यू कैन डू इज लाइक पंद्रह बीस या दिन के लिए आप जो है क्या कहते हैं उसको बुक करवा लो फॉर अ टाइम्बिंग और इतने वगैरह यहाँ पर आप घर वगैरह देख लेना और थोड़ा बहुत खर्चा होगा स्टार्टिंग में बट ऑब्वियसली उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना अगर आपको कोई रिलेटिव नहीं रहता तो ऑब्वियसली बात आपको थोड़ा बहुत जेब से तो देना पड़ेगा ही तो यार ये थी मेरी साइड से सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को पता थी मैंने आपको सारी बात बता दी है आई होप कि आपको हेल्प करेगी इन गेटिंग एन अकोमोडेशन तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एक अकोमोडेशन ढूंढने में उनको कोई दिक्कत वगैरह ना हो एंड लाइक like कर देना वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी तब तक मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय